हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जब आप लोग यहां पे वाईफाई यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में तो उस टाइम पे यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहता है कि जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन में तो नेट नहीं चलता है उस टाइम पे। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जब व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं वाईफाई के थ्रू तो बिल्कुल भी मैसेज वगैरह नहीं आता है या तो फिर मैसेज वगैरह जो है शेयर नहीं हो पाता है। तो ये बेसिकली जो है अगर आपने वाईफाई ठीक से कनेक्ट नहीं किया रहा होगा तो तभी जो है आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग यहाँ पे वाईफाई अगर आपने कनेक्ट किया है तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि वाईफाई जो है कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ठीक से कनेक्ट नहीं रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जिससे भी आपने वाईफाई लिया हो उसके फ़ोन में अगर जो है डेटा बंद कर दिया है और उस टाइम आप यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किए होंगे तो आपके फ़ोन में बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। आप जिस वाईफाई ले रहे हैं उसके फ़ोन में अच्छा से इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और डेटा वगैरह जो है सभी चीज़ें इनेबल होना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पर नेट को यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को जो है अपडेट कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके एक बार अपडेट कर लीजिएगा और अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिएगा या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है तो फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि जिस भी वाईफाई आप लिए हैं यहाँ पे जिस भी पर्सन से वाईफाई ले रहे हैं उसने अपने फ़ोन में अगर डेटा सेवर कर दिया हो, डेटा सेवर मोड को ऑन कर दिया हो तो एक लिमिट टाइम तक जो है वो डेटा शेयर कर पाता है और उसके बाद जो है डेटा शेयर होना बंद हो जाता है। तो इससे ये होता है कि वाईफाई कनेक्ट रहता है बट नेट जो है बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, तो फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि क्या आपके फ़ोन में इशू आ रहा है, फिर आप जो है उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।